रहुई हॉल्ट को स्टेशन बनाने और सर्वजीवी वो इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव को लेकर रहुई कादीबिगा समेत अन्य गांवों के लोगों ने ट्रैक के समीप शांतिपूर्ण धरना दिया। मौके पर ग्रामीणों की मांग पर पहुंचे नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि ग्रामीणों की बात को रेल मंत्री तक पहुंचाया जाएगा ताकि इस प्रखंड के लोगों की समस्या का निदान हो सके। जब केंद्र में नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तब यह रहुई रोड स्टेशन कहलाता था। जैसे ही केंद्र में मोदी सरकार आई वैसे ही रहुई रोड के साथ अनदेखी करते हुए इससे स्टेशन का दर्जा छीन लिया गया। इस इलाके के लोगों का यह मांग जायज है। पहले यहाँ रुका करती थी ट्रेन और काफी अच्छा संख्या में यहाँ भीड़ है। पूरा रोही ब्लॉक 16 पंचायत 50 से 60 गांव यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है ट्रेन पर चढ़ने के लिए। बड़ी बात क्या है? मुख्य मांग हमारा ये है कि यहाँ पर स्टेशन बनाया जाए, इंटरसिटी और चिरंजीवी का ठहराव हो, जो हम सबको सुविधा मिले। क्या दिया आश्वासन? क्या दिया सभी आश्वासन? क्या दिया आश्वासन? ये है आश्वासन, ये है कि हर जगह एप्लीकेशन गया हुआ है। सभी हमारे माननीय सांसद जी का पूरा आश्वासन है कि एक साल लगे या कुछ समय विलम्ब हो पर यहाँ पे स्टेशन जल्द ही जल्द बने। डीआरएम को भी रोकने का प्रयास किया गया जी? प्रयास किए पर वो नहीं रुके, पर कोई बात नहीं, हमारा शांतिपूर्ण था बैठक, पर आगे कोशिश करेंगे कि उन्हें भी आगे रोका जाए। एप्लीकेशन वहाँ भी गया है, कृपया उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर जब भी आए रुक के जाए। और तो मेरा भी मांग है कि इसको स्टेशन का दर्जा दिया जाए और यह बात के लिए मैं आश्वासन दिया हूँ यहाँ की जनता को कि 19 तारीख को यह बात मैं मंत्री तक पहुँचाऊँगा। अभी दूरभाष पर हम डीआरएम साहब से बात किए हैं, उन्होंने भी कहा है कि आप लोगों के जितने भी बात होगा उस संज्ञान में लेके हम हाजीपुर जीएम को भेज देंगे और जीएम साहब मंत्रालय को भेजेंगे। तो हम चाहते थे कि आप लोग से मीडिया लोग भी मदद करें कि यहाँ का ये मूल समस्या है कि पहले स्टेशन था जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे उस समय भी था, जब सरकार बदल गई जब मोदी जी के सरकार बना तो इसको होल्ट बना दिया गया है। इसलिए मेरा भी निवेदन है कि इसको स्टेशन का दर्जा दिया जाए जिससे यहाँ के लोगों को सभी स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी, इसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। नालंदा से आशीष कुमार की रिपोर्ट।